अवेक ऑन लैन का क्या मतलब है, फीचर है कोई? हाँ ये वही है ना, अवेक ऑन लैन यानी लैन पे कोई एक्टिविटी हो तो मशीन बूट हो जाती है। सो मैंने सुना है कि पता नहीं ऑफ होती है मशीन तो उसको रिमोटली आप ऑन। मैं कह तो रहा हूँ कि नेटवर्क पे कोई एक्टिविटी होती तो मशीन चल पड़ती है। ये तो बड़ी यानी पहले ये होता था मोडेम्स पे भी आते रहे कि एक रिमोट एक्सेस सर्वर है वो ऑफ है, कोई डायल अप यूजर डायल करता है जैसे ही मोडेम पे रिंग होती है मशीन बूट हो जाती है। यार एसी चलवाओ, गर्मी है यार, एसी चलाओ। मैं अच्छी भली गर्मी लग रही है। चलो सर कैमरा ब्यूटी है माशाल्लाह आपकी, कैमरा ब्यूटी है आप यार, ये ऑन करते हैं। फोटोजेनिक फेस है सर वैसे आप, बॉडी छोटी सारी बनाए मॉडलिंग आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं यार, सारे रिकॉर्डिंग्स मुझे मिल जाएंगे क्यों इस तरह की काम कर? नहीं सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था। सर मैं ख्वाब आपको सुना रहा था, मैंने वाकई ये कल रात ख्वाब देखा है। अनार के लिए सर आप ना वो किसी शॉपिंग कर रहे हैं, दूल्हा वाला कोई आपने ड्रेस पहना, मुझे देखे छुप गए आप ड्रेस पहन के। हाँ छुप गए आप, ट्राई करते ना सर। तो मैं भी वहीं से गुजर रहा हूँ तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, तो मैंने इसलिए कल आपको फ़ोन किया था। छोटी वाली पैकिंग वाली मिल जाएगी? नहीं लैपटॉप को अंदर लगा, आईडी आईडी जो आती है आईडी लगती है इसमें यार, वो शाल खाने का नहीं आती फिर किचन। आप नई क्लास के लिए तो नहीं आए? नई क्लास लेकिन आज नहीं, लेकिन कल स्टार्ट हुआ, आज इनका एडीएस का आखिरी लेक्चर है, कल से जो है पाँच चमक रहा आज तो लिख रहा आज। आपको मैंने टाइम करवा लिया 6 बजे, वैसे आप लोग आते लेकिन सवा छः सर मैं कहता 5 बजे कर दें, तो आए सर आराम से 5 बजे। इसलिए तो हम जाते हैं, इसलिए तो हम जाते हैं सिफाइड वाले पढ़ने से, हमारा मोटो ही है। अभी भी अगर मैंने भागना है लोगों के पीछे तो मैं इसके बीच में डालने का फायदा क्या? भाग गया फटाफट। अच्छा जी यार इसकी लाइट्स ऑफ कर दो, नहीं आए आवाज तो उधर बैठ जाओ, लाइटें ऑफ कर दे लो फिर इस तरह बात लाइटों की थोड़ी देर ना जरा लाइट में ना। अच्छा लाइट के लिए बैठ जाओ उधर। सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग हम लोग कर रहे थे उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको करवा दी, लाइट ऑफ कर दो, जो चीज़ें रह गई थी वो आप देख लें ताकि पूरा हो जाए। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करते हैं। और लाइट ऑफ कर दो, पॉलिसी को मॉडिफाई करें या लाइट ऑफ कर दो। लास्ट टाइम आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा दी,
चीज़ें जो बेसिक्स की थी, लेकिन ये जो है ये कंटेनर है, ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये कंटेनर हैं और इनके अंदर पैकेज आते हैं। आपको याद आता याद होगा मैंने बताया था कि पहले आप एक फोल्डर बनाएं जिसका नाम SDP रखते हैं, उसे शेयर करवा दें। ऐसे ही हमने किया था, ये सब मैगी सर ऑन करते हैं ठीक है। और मैं आज एक और काम करता हूँ क्योंकि मैंने आपको भी करके दिखाना है, मैं ऑफिस इसमें से रिमूव करता हूँ ठीक है। ये ऑफिस 2007 है, ये हम क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं मैग्नीफाई कर। अगर रिमूव नहीं हुआ तो 7 एज इट इज रहने दें, 3 हम कर देते हैं, वैसे भी 3 पे कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली क्या रीजन होती है अक्सर वो नहीं रिमूव करता चीज़ नहीं, ये तो मैंने भी तो फाइल मिस है CD डाल दें कर देगा रिमूव, अगर यहाँ से भी नहीं करता तो CD मांग रहा है, ये देखो CD डाल दूँ कर देगा। अच्छा जी मैं अब 2003 के लिए करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ऑटो इंस्टॉल एट लॉग ऑन, और यार ये बड़ा गलत काम है क्योंकि इसके ऊपर नया वर्जन हो जाएगा। किया कभी किसी ने 7 और 3 दोनों दोनों होते हैं अलग अलग से होते हैं बस ठीक है, फिर कोई परेशानी नहीं। ये SDP है, पाल ने भी डेस्कटॉप पे रखा है, फोल्डर कहाँ बनाया डी में सर। ठीक है इसके अंदर ही ऑफिस पड़ा हुआ, इसको ठीक है जी ठीक है, वायरस है इसमें और SDP को देख लेते हैं शेयर है कहा था आइडियल ये कि कंप्यूटर पे करें और असाइन करें, यही कहा था ना yes. तो मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन ये करने से पहले आप लोगों को मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपने मॉडिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए क्या बनाते हैं MST ठीक है। तो मैं MST क्रिएट कर रहा हूँ, MST क्रिएट करने के लिए ऑफिस रिसोर्स किट जो है उसे इंस्टॉल करें, ये नजर आ रहा है OR के Microsoft Office 2003 सोर्स किट और ये क्या लिखा है चलाएं इससे। अभी आपसे मांगेगा MSI, ब्राउज करके MSI बता दें कहाँ पड़ी है, डी ड्राइव पे SDP में ऑफिस में ये ठीक है ना, ओपन कर लें इसे। अभी आपसे कह रहा है क्रिएट ए न्यू ये जनाब इसने नाम रखा उसका, मैं इसका नाम रख देता हूँ office.mst ठीक है, और वहीं पे ये रख रहे हैं हम जहाँ पे MSI पढ़ा ठीक है। नेक्स्ट कर दें,
अब बस मैं एक चीज़ मॉडिफाई कर रहा हूँ उसमें, और वो क्या है, ये वाला पेज टूल्स रहने में शेयर फोल्डर्स कर देता हूँ नॉट अवेलेबल, एक्सेस भी छोड़ दें, एक्सेल आउटलुक भी नहीं चाहिए, पब्लिशर भी नहीं चाहिए, ठीक है जी, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बस मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ ना आफ्टर इंस्टॉलेशन, बस ये तीन चीज़ें मुझे नज़र आनी चाहिए ऑफिस 2000। फिनिश कर दें, एमएसटी बना ले जी सर, अपनी मर्जी की एमएसटी बना रहे हैं हम जी बट सर नवीन भाई डिफरेंस बताया सर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर कॉन्फ़िगरेशन का, ग्रुप पॉलिसी एडिटर के अंदर जो दो कंटेनर है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस पूछा आपने, डिफरेंस प्लान जब चेंज हो गया क्या डिफरेंस है बता दीजिए, पूछ लीजिए सर, वो नाम क्यों एंटर करेंगे जब उस पर डेट ही कंप्यूटर का अगर लगाएंगे हर मशीन पर लगेगा, तो उस यूजर पे आएगी। कल कितने बजे वहाँ का टाइम होता है, 8 बजे सुबह शाम को एक कंप्यूटर लगा दो हर यूजर पे जो भी सुबह। अच्छा चलो सही, मैं कह दूँ सैर सपाटे करें देख के आए, नहीं यार सैर सपाटा बंदा अकेले क्या सैर सपाटा करे, आप ये देखो सैर आप अकेले तो नहीं कर सकते, और ये कहना आसान है कभी जाओगे ना इंशाल्लाह से दूर, आप सोच नहीं सकते बंदे की क्या फीलिंग होती है, लानत भेजता है बंदा, यहाँ बैठ के कहते हैं ना पाकिस्तान में क्या रखा, पाकिस्तान में अभी जाओगे लगेगा पता, यही पाकिस्तान याद आ लगने लगी जंग सर, अब इसकी 11 तक की बुकिंग है लेकिन वो कह रहा है कि बस मेरी वापस आना है, ये बंदा पास होए थे कहता जी, फिर ये बंदा कहता यार मसाज करावा क्यों जी पास है, पास हो गया ना सिक्योरिटी पेपर से, पेपर तो हो गया शहर से होता नहीं, ठीक है सर और रुको यार मैंने 4 GB हार्ड दियो 80 GB दे दियो, 80 GB हार्ड दे दियो, एक बार सारे कॉपी करके दे दियो, तुम्हें पता है तुम कितने कॉपी करके देते हो, वो तो तुम फिर लेना तुम आएगा नहीं मुंडा, हाँ दो एक डीवीडी बन जाएगी 8 GB बार बार भाई टेंशन ना ले, तुम्हें यार तुम्हें देख जानी है कैमरा ले जाइए, उसके बाद कौन सा स्टार्ट करना आर्टिकल एक्सचेंज करना फोन इंशाल्लाह, ठीक है, और वोचर हो जाए नाम तो मेरे पास लिखे पड़े हैं, नेक्स्ट वोचर उसको नहीं कभी मिल सकता, अभी मिल जाएगा, ठीक है, जिनके पास है वो फोटोकॉपी करवा के दे देंगे, और नेक्स्ट लड़कों ने जिसने वोचर चाहिए वो अपनी आईडी का भी है स्टाफी आईडी को दे, ये चीज क्या बात की मैंने पहले तो रहा है भाई, टॉम क्रूज परसों आया सी, हां इमरान ने सारी मूवी का पेड़ा कर किया, मैं बड़ा गुस्सा मैं आया उसे, और की बनाई ही नहीं कुछ, हां यार वो इंज बनाई मैं कह यार तस्वीर इंज क्यों आ रही, मैं इन्हें सीधा कर रहा हूं चक्कर ही कोई नहीं, हां अच्छा ये बन गई फाइल, इधर देखो यार ये आपके पास ठीक है, ये हमारे पास MSI और ये बड़ी भी MSI, अब मैं कहाँ जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में गए न्यू पैकेज, नेटवर्क को ब्राउज करके आए,
ये जाता है सर। यूएनसी पास देंगे डायरेक्ट नहीं दे सकते हम फाइल? नहीं, हमेशा यूएनसी पास देते हैं, छुट्टी नहीं करनी थी ना कल की, ये एडवांस सेलेक्ट किया, एडवांस लिए सेलेक्ट किया क्योंकि एमएसटी बताने है, ये जब पढ़ाओगे तो तुम इस पे पहुंचोगे, फिर तुम दोबारा रिकॉर्ड करोगे, पता लग रहा है सर आज कल। ये इधर जाए क्योंकि ज़ाहिर है एमएसटी और एमएससी हाँ एडवांस सेलेक्ट करें और उसके बाद करते हैं बात। ऐड किया एमएसटी दे दी, ठीक है सही नहीं बनाई तो यहीं पे एरर आ गई। डिप्लॉयमेंट किया, असाइंड पे सेलेक्ट किया, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन ऐड, ओके कर दिए। अब क्योंकि मैंने क्या किया कंप्यूटर पे किया है इसलिए मशीन को रीबूट करवाना पड़ेगा, और आपको अगर यानी नमाज का टाइम हो गया तो बेशक चले पढ़ाए नमाज, चालीस पे भी चलो सारे रिकॉर्डिंग्स बेशक आप पॉज कर। मैंने कस्टम इंस्टॉलेशन विजर्ड से चलाया था, और वो कस्टम इंस्टॉलेशन विजर्ड की ऑप्शन मुझे इसलिए मिली थी क्योंकि ऑफिस रिसोर्स किट मैंने इंस्टॉल किया। रट्टा ना लगाएं समझने की कोशिश। कहता यूएसबी ड्राइव इसकी मेरे पास पड़ी है, एक हफ्ता हो गया, ज़्यादा ही हो गया, जब मैं लेके आया था ये नहीं आ रहा था, अब ये आ रहा है, मैं लेके आ रहा। मुझे आगे आ रही है गेट पे आया उनको भी आगे से सारी मूवी घूम रही है एक मिनट यार, ये इधर नज़र रखें, इधर में अभी आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा जो आपने देखना है, इंस्टॉलिंग मैनेज सॉफ्टवेयर, मैं बात करता हूँ अभी आपका जो केस है वो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए इंस्टॉलिंग मैनेज सॉफ्टवेयर। पसंद हूँ क्वेश्चन आप बोली क्या सर, ये तो सोने का मसला नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये ज़्यादा परेशान है।
इंस्टॉलिंग मैंने सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल एडिशन 2006 ठीक है. अब ये लगाएगा, दो तीन मिनट लगाएगा इंस्टॉलेशन का. यार की का भी तरीका है, आप अगर वॉल्यूम लाइसेंस लेते हैं फिर तो की पूछता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आप जब सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो की आपसे पूछेगा, सिर्फ की पूछेगा और यानी कोई चीज़ नहीं. और वो भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो वॉल्यूम लाइसेंस पे है ही नहीं सिंगल. नहीं वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, MST में कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था लेकिन वो प्रैक्टिकली मैं सक्सेसफुल नहीं रहा कि इसकी जो सेटअप डॉट आया ना ये उसे एडिट करके दे दें. तो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है कि वो वर्क करता है, लेकिन मैंने उसे टेस्ट किया है तो मैं सक्सेसफुल नहीं था. यही जो फाइल है ना, इधर बताता हूँ. ये यहाँ पे आप ऐड करते हैं, ये नज़र आ रहे प्रोडक्ट, इधर आईडी देना, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं रहा इसमें. ठीक है, बहरहाल ये हो गया. अब आप इसे रन करें ज़रा, किधर है, सही नहीं, मैं खुद भी हैरान था इतनी जल्दी कैसे हो गया. ठीक है, प्रोसीजर यही है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 7 इसमें पहले से था. हाँ आप पूछो क्या पूछो. मैं कह रहा था कि इस तरीके में वैसे डोमेन पे जितने भी कंप्यूटर हो गए सब पे बिल्कुल, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर भी करना चाहते हैं फिर OU बना, वो तो आप OU बना सकते हैं ना, पॉलिसी पूरी डोमेन पे ना लगाएं बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी में. OU बनाए, इस OU के अंदर वो यूज़र ले जाएं और इसमें जाके क्या करें, न्यू ग्रुप पॉलिसी. समझ में आती बात, ठीक है, और इसे एडिट करके जो देना चाहते. अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ैप किस तरह बनाते हैं. लेट्स से मेरे पास बी पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसका नाम है प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल, अब आपके पास MSI नहीं, MSI मेकर आपको मैंने बताया हर दफ़ा सक्सेसफुल नहीं होता. ये अज्यूम कर लें कि ये एक्रोबैट का सोर्स है. आप नोट पैड में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन पहला सेक्शन, फ्रेंडली नेम, एक्रोबैट, ये डबल कोट्स में आएगा. उसके बाद सेटअप कमांड एक्रोबैट .exe, ठीक है, अगर वर्जन देना चाहें ठीक है. नेसेसरी तो नहीं है वर्जन वाली लाइन, नेसेसरी तो नहीं है लाइन, ऑप्शनल पहली दो है नेसेसरी. एप्लीकेशन फ्रेंडली नेम, बस फ्रेंडली नेम, एप्लीकेशन सेटअप, तीन लाइंस तो यही दो है ना, वो तो सेक्शन कहते हैं. एक सेक्शन है, सेक्शन बनाए बगैर तो फिर ये कोई फाइल इन्फो फाइल बन ही नहीं सकती. इसके बाद इसे हम सेव करेंगे. सेव एस पे क्लिक किया, नाम रख दिया acrobat.exe और जहाँ पे वो कहाँ रखी थी, डी में acrobat,
के इसका नाम रखेंगे एक्रोबैट डॉट सैप, डबल कोट्स में कर दें ताकि चेंज ना करें इसमें। उसी तरह आप ग्रुप पॉलिसी में जाएं, कंप्यूटर में मैं आपको बता चुका हूँ ज़ैप नहीं होती, बताया था ना, कंप्यूटर पे भी नहीं होती और दूसरा काम क्या है, पब्लिश भी नहीं होती, असाइन भी नहीं होती, बताया था ना। ये सिर्फ पब्लिश होगी, पब्लिश कर दें इसे, असाइन की ऑप्शन ज़ैप के लिए नहीं है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से ज़ैप सेलेक्ट करें, ओके करें, जीपी अपडेट करवाएं, लॉग ऑफ कर दें, लॉग ऑन करें, एड न्यू प्रोग्राम्स, नजर आ रहा है, ये है ज़ैप का काम, बनाया था बस थोड़ा सा रह गया, ये आपका यूनिट आज कंफर्म ख़त्म है, यानी नेक्स्ट टर्म।